बात करते हैं योगी के स्मार्ट प्लान की। कोरोना की दो लहरों के बीच ग्राउंड जीरो पर जान जोखिम में डालकर काम करने वाली, लोगों की सेवा करने वाली आशा बहुओं का आज सीएम सम्मान करेंगे। उन्हें कई बड़ी सौगातों से नवाजेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आशा बहुओं को सीएम योगी 80,000 स्मार्टफोन बांटेंगे और उसके साथ ही सीएम आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी, ये कहा जा रहा है कि आज कर सकते हैं। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, एक बड़ा तोहफा ये आशा बहुओं को आज मिलने जा रहा है, ये कितनी और कैसे मदद करेगा इनकी? देखिए, जितना भी डेटा से रिलेटेड काम होता है जो आशा बहुओं को अभी लिखत पढ़त में कागजों में करना होता है, वो सारा काम अब स्मार्टफोन पर होगा, ऐप के माध्यम से होगा। इसीलिए सबको स्मार्टफोन दिया जा रहा है और इसके साथ इनको डेटा भी देखिए उपलब्ध कराने की योजना है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री 80,000 लोगों को देखिए स्मार्टफोन दिया आने, जिसमें से 1500 आशाएँ जो है वो लखनऊ में, जहाँ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, वहाँ पर रहेंगी और उसमें से कुछ महिलाओं को, कुछ आशाओं को खुद मुख्यमंत्री मंच से स्मार्टफोन देंगे, जबकि बाकी सभी को जो कार्यक्रम स्थल है, हॉल है, वहाँ पर उनकी सीट पर स्मार्टफोन मुहैया कराया जाएगा और बाकी अलग अलग ज़िलों में ऑनलाइन ये कार्यक्रम चलेगा, VC के माध्यम से कार्यक्रम चलेगा, जहाँ पर ज़िलों में उनको आशाएँ जो है उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी जो है आज वो देखिए आशाओं के मानदेय को बढ़ाने से जुड़ी भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल 2,000 रुपये का मानदेय उन्हें मिलता है और इसमें बढ़ोतरी करने की, 10,000 करने की उनकी मांग है और इसीलिए लगातार वो लंबे वक्त से अपनी आवाज़ सीएम तक पहुँचाना भी चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी के लिए लगातार आप नज़र बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते सुबह लखनऊ में आशा बहुओं को स्मार्टफोन की सौगात देने के बाद आज सीएम योगी कांग्रेस के गढ़ रायबरेली भी जाने वाले हैं। रायबरेली को सीएम करीब 833 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें 84 करोड़ की लागत से बनने वाला ITI स्टेडियम भी शामिल है। इसके अलावा 76 परियोजनाओं का लोकार्पण और 779 करोड़ की 305 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम। शिलान्यास और लोकार्पण में हेल्थ वेलनेस सेंटर, राजकीय हाई स्कूल, पानी की टंकियां, तमाम योजनाएं शामिल। और इसी पर एक जानकारियों के साथ रायबरेली से पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आज वहां पर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कैसी तैयारियां वहां पर बीजेपी ने की है? आपको बता दें कि उन्नाव से चलकर जो जनविश्वास यात्रा है वो रायबरेली यहाँ पहुँचेगी और यहीं पर उसका समापन होना है। 2 बजे ठीक यहाँ पर पहुँचने का उनका शेड्यूल है। यही बगल हेलीपैड बना हुआ है इसी ग्राउंड के पास में, जहाँ पर सीएम योगी आएंगे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। आप देख सकते हैं कि यही वही पोर्शन है जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद बाई रोड बगल से आगे 2:05 पर पीछे जो हमारे बना हुआ है वो स्टेज जो पूरी तरह से तैयार है, वहाँ पर आएंगे और 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम है। 3 बजे तक 3:05 तक सीएम योगी यहाँ पर रहेंगे और 381 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और साथ ही यहाँ पर जो विशाल वहाँ पर पहुंचेंगे तो आएंगे आपके पास, तस्वीरें दिखाएंगे सबसे पहले। लेकिन अभी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।